नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी सबसे बड़ी पहचान रखता है। इसी के साथ यहां अपनी संस्कृति और आर्थिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े राज्य में से एक महाराष्ट्र राज्य के बारे में। महाराष्ट्र राज्य भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। महाराष्ट्र राज्य न केवल अपने राज्य की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अपने धार्मिक मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। महाराष्ट्र राज्य में कई पवित्र धार्मिक स्थल है और यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर भी है। इनमें से कई मंदिर लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी बन चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको महाराष्ट्र के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमारी यह वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। और इसी के साथ आपको अगली वीडियो किस राज्य के मंदिरों के बारे में जानना है यह हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो चलिए चलते हैं महाराष्ट्र के इन 10 प्रसिद्ध मंदिरों के सफर में। नंबर 10, कैलाश मंदिर। दोस्तों, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कैलाश मंदिर को कैलाशनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मंदिर एलोरा की गुफाओं में मौजूद है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में लगभग 2,00,000 टन की अधिक चट्टान का इस्तेमाल किया गया था और इसे बनाने में लगभग 18 साल का समय लगा था। सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर माना जाता है। नंबर 9, भीमाशंकर मंदिर। दोस्तों, भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह एक बहुत ही पवित्र और फेमस मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र का प्रमुख तीर्थ स्थल है। दोस्तों, अगर आप पुणे जा रहे हो तो भीमाशंकर मंदिर को आप जरूर विजिट करें। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। महाराष्ट्र में मौजूद त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर महाराष्ट्र के सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ मौजूद ज्योतिर्लिंग भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान रुद्र की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है। नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। प्राचीन काल से ही यह मंदिर काफी लोकप्रिय रहा है जिसके कारण यहाँ दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। नंबर 7, तुलजा भवानी मंदिर। दोस्तों, तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में माना जाता है। देवी भवानी को समर्पित तुलजा भवानी मंदिर उस्मानाबाद में स्थित एक शक्तिपीठों में से एक है। यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के साथ अपने ऐतिहासिक संबंध के लिए जाना जाता है, जो तुलजा भवानी के एक भक्त अनुयायी थे। मंदिर का समृद्ध इतिहास और युद्धों में दिव्य हस्तक्षेप की कहानी इतिहास प्रेमियों और आध्यात्मिक साधकों को दोनों के लिए आकर्षक है। दोस्तों, आप इस मंदिर को जरूर विजिट करें। नंबर 6, ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। महाराष्ट्र में घूमने के लिए प्रसिद्ध 10 मंदिरों में से एक औरंगाबाद जिले में स्थित ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर शिव पुराणों के वर्णित ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर का निर्माण लाल ज्वालामुखी चट्टान से किया गया है और इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर और मालोजी राव भोसले के शासनकाल में हुआ था। महाशिवरात्रि के दौरान यह स्थान उत्सव से जगमगा उठता है। नंबर 5, महालक्ष्मी मंदिर। दोस्तों, महालक्ष्मी मंदिर महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का एक लोकप्रिय मंदिर माना जाता है। महालक्ष्मी मंदिर से लेकर ज्योतिबा मंदिर तक कोल्हापुर में कई मंदिर है जिनके दर्शन के लिए भारी संख्या में तीर्थयात्री आते रहते हैं। कोल्हापुर में मंदिरों के दर्शन करने के अलावा आप इस शहर के पर्यटन स्थलों को भी देख सकते हैं। पंचगंगा नदी के तट पर बसा हुआ कोल्हापुर धार्मिक स्थलों के लिए काफी जाना जाता है। कोल्हापुर शहर महाराष्ट्र में मंदिरों के एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्रों में से एक के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, गणपतिपुळे मंदिर। दोस्तों, गणपतिपुळे मंदिर महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। समुद्र तट के किनारे मौजूद गणपतिपुळे मंदिर एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, जो मुंबई से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। कोकण तट पर स्थित यह स्थान लगभग 400 साल पुराने गणपति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप मंदिर घूमने के साथ साथ बीच का भी मजा ले सकते हैं।
नंबर 3 शनि शिंगणापुर मंदिर। दोस्तों शनि शिंगणापुर मंदिर महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसी के साथ यह दुनिया भर में भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मौजूद शनि शिंगणापुर मंदिर एक जादुई मंदिर माना जाता है। शनि शिंगणापुर के रूप में प्रसिद्ध इस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान शनि चोरों से उनके सामान की रक्षा करते हैं और सभी के दुख दूर करते हैं। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनि देव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र जा रहे हो तो शनि शिंगणापुर के इस मंदिर को जरूर विजिट करें। नंबर 2 सिद्धिविनायक मंदिर। दोस्तों सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख मंदिरों में माना जाता है। सिद्धिविनायक मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में भी शामिल है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई के मध्य में स्थित और भगवान गणेश को समर्पित है, जो अपने आशीर्वाद से सबकी मनोकामनाएं पूरे करता है। मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर बॉलीवुड हस्तियों और राजनेताओं के सहित दुनिया भर के लाखों लोगों को आकर्षित करता है। मंदिर के भीतर छत सोने से मढ़ी हुई है और गर्भगृह में अष्टविनायक की नकाशीदार छवि बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सिद्धिविनायक मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आप मुंबई जा रहे हो तो सिद्धिविनायक को अपने प्लान में जरूर शामिल करें। नंबर 1 साई बाबा मंदिर। दोस्तों साई बाबा मंदिर महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध मंदिरों में माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी शहर में स्थित है। साई की भूमि के रूप में प्रसिद्ध शिरडी साई बाबा मंदिर दुनिया भर के हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। यह मंदिर साई बाबा को समर्पित है, जिन्हें देश के सबसे महान संतों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि साई बाबा मंदिर भारत का चौथा सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। साई बाबा मंदिर मुंबई से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र घूमने जा रहे हो तो साई बाबा के इस मंदिर को जरूर विजिट करें। तो दोस्तों ये थी महाराष्ट्र के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपको महाराष्ट्र के अलावा किसी अन्य राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।